हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के प्रमुख ऑथर के रूप में पढ़ेंगे और कौन कौन से फेमस इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके सिलेबस का है, वीडियो के थ्रू आपका हेल्प होता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है। शॉर्ट स्टोरी इज द जनरल टर्म ऑफ लिटरेचर। शॉर्ट स्टोरी जो है लिटरेचर का एक टर्म है डेट बेसिकली डील्स विद प्रोज फिक्शन, जो मेनली प्रोज और फिक्शन से डील करता है। दे मे और मे नॉट हैव मॉरल वैल्यूज अटैच टू देम। उनमें क्या होता है ना, शॉर्ट स्टोरी में या तो मॉरल वैल्यू अटैच्ड हो या फिर नहीं भी हो सकती है। आर प्योरली रिटन टू प्रोवाइड रीडर्स विद अ सेंस ऑफ ब्लेसिंग। और मेनली जो लिखा जाता है शॉर्ट स्टोरी, इसलिए लिखा जाता है ताकि रीडर्स को सेंस ऑफ ब्लेसिंग, मतलब ज्यादा इंटरटेनिंग लगे, मतलब माइंड फ्रेशनेस हो। मेनली इस वजह से शॉर्ट स्टोरी लिखा जाता है ताकि मतलब रीडर्स को पढ़ने बोरिंग भी ना हो कहीं, मतलब एक मोटी सी किताब जिसमें सिर्फ एक स्टोरी हो वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, जहां आप 10 या 12 पेज की एक स्टोरी पढ़ते हो, तो इसलिए नॉर्मली शॉर्ट स्टोरीज लिखा जाता है। इट इज हियर ऐसा सुना गया दैट शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट स्टोरीज कम एज ए आउटस्टैंडिंग थीम, कि जितनी भी शॉर्ट स्टोरी होता है उसका थीम काफी आउटस्टैंडिंग होता है। दे आर लाइट, वो लाइट होते हैं, मतलब इजी होते हैं। दे आर इंटरटेनिंग होते हैं। एंड दे आर एवरीवन्स कप ऑफ टी, और सभी के लिए काफी आसान होता है उसको समझना, उसको पढ़ना काफी आसान होता है। इंडिया हैज बीन एड्रेस ऑफ मैनी प्रोलोफिक राइटर। इंडिया ढेर सारे राइटर का एड्रेस रहा है, महान राइटर, प्रमुख राइटरों का, हु हैव इन्फ्लुएंस्ड इंटायर जनरेशन, जो कि पूरी जनरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। दे हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड इन द टर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिनका कि इंग्लिश लिटरेचर के टर्म में भी काफी योगदान रहा है। इंडिया इज फील्ड ऑफ लॉट्स ऑफ ऑथर्स, इंडिया ढेर सारे ऑथर्स से भरा पड़ा है। हु हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड इन द टर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जो कि अपना योगदान शॉर्ट स्टोरीज के टर्म में भी देते हैं। सम ऑफ देम वर्थ मेंशनिंग आर, और उसमें से जो कुछ प्रमुख हैं वो हैं मुल्कराज आनंद, आर के नारायणा, राजा राव, रविन्द्रनाथ टैगोर, भवानी भट्टाचार्य, खुशवंत सिंह, अनिता देसाई एज वेल। ये सब जो है काफी प्रमुख है, और भी हैं लेकिन नॉर्मली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले नोट्स में। तो अगर आपको मतलब नोट्स तो काफी मतलब चार पांच पेज का कंफर्म है। अगर इससे भी बड़ा आपको चाहिए तो आप और एक दो ऑथर को ऐड कर सकते हो, एक दो और शॉर्ट स्टोरीज राइटर को ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर कम चाहिए तो एक दो को हटा भी सकते हो। तो चलिए आगे आप वीडियो शुरू करते हैं। सो फार एज मुल्कराज आनंद इज कंसर्न, जहां तक अब मुल्कराज आनंद का संबंध है, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन इंडियन इंग्लिश राइटर एज वेल एज नॉवलिस्ट। तो जहां तक मुल्कराज आनंद का संबंध है, वो वन ऑफ द मोस्ट मतलब इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं और नॉवलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। ही हैड हिज अर्ली एजुकेशन इन पंजाब, उनका जो शुरुआती एजुकेशन हुआ था वो पंजाब में हुआ था, बट लेटर स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एट कैम्ब्रिज, लेकिन जो आगे की पढ़ाई किए थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में किए थे। ही रोट ए नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ढेर सारा शॉर्ट स्टोरीज लिखे हुए डीलिंग विथ इंडियन लाइफ, जो कि डील करता है इंडियन लाइफ और सिचुएशन से, मतलब मेनली इंडियन लाइफ और सिचुएशन को दिखाता है उनका जो शॉर्ट स्टोरी होता है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलर, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलर है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेट वेराइटी ऑफ थीम्स, मूड, टोन्स एंड टेक्निक। अपने स्टोरी के मूड, टोन, टेक्निक, थीम्स की वजह से वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलर के रूप में जाने जाते हैं मुल्कराज आनंद। अब है हिज शॉर्ट स्टोरीज आर, उनकी जो कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं वो है द लॉस्ट चाइल्ड, ए विलेज इडली, टीयर्स एट द हर्ट, द गोल्ड वॉच, टू ब्रदर्स एज वेल, ये सब उनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं। अब आगे है आर के नारायणा। आर के नारायणा वॉज एन इंडियन राइटर है, नोन फॉर हिज वर्क, अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं, सेट इन फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मलगुदी। अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उनका जो मोस्टली नॉवेल शॉर्ट स्टोरी जो होता है ना, एक फिक्शनल टाउन का रहता है, कि जो मतलब घटना होती है वो एक उनके काल्पनिक शहर है उसमें होता है, जो कि जिसका नाम है मलगुदी। उनकी बस ये काल्पनिक शहर है, मतलब रियलिटी में ऐसा कोई शहर नहीं है, बट कल्पना में वो मलगुदी एज ए फिक्शनल टाउन हमेशा यूज करते हैं। ही मोस्ट ऑफ मतलब नॉवेल शॉर्ट स्टोरीज में यूज करते हैं। ही वॉज ए लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर, अर्ली इंडियन लिटरेचर के प्रमुख ऑथर के रूप में जाने जाते हैं इन इंग्लिश अलॉन्ग विद मुल्कराज आनंद और राजा राव और मुल्कराज आनंद के साथ ये लीडिंग इंग्लिश लिटरेचर के रूप में राइटर के रूप में जाने जाते हैं। ये तीनों जो हैं, मुल्कराज आनंद, राजा राव और आर के नारायणा, इंग्लिश लिटरेचर के ट्रायो, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ट्रायो के रूप में जाने जाते हैं। ही रोट ए गैलेक्सी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ढेर सारा शॉर्ट स्टोरीज लिखे इन हिज लाइफ, अपने लाइफ में सच है, जैसे कि मलगुदी डेज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डेज, ए हाउस एंड टू गॉड्स, अंडर द बनियान ट्री, द ग्रैंड मदर्स टेल एज वेल, ये सब उनका शॉर्ट स्टोरीज है। आगे लाइक मुल्कराज आनंद एंड आर के नारायणा, मुल्कराज आनंद और आर के नारायणा की तरह राजा रो वॉज ऑल्सो ग्रेट
शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो राजा राव भी है जो काफी महान शॉर्ट स्टोरी राइटर है इन इंडिया के, हु रोट ए गैलेक्सी ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर शॉर्ट स्टोरीज ऑन डिफरेंट इशू, ये भी बहुत सारा शॉर्ट स्टोरी लिखे हुए जो कि अलग अलग इशू पे बेस्ड होता है। हिज मोस्टली स्टोरीज आर बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर, इनका जो मोस्टली स्टोरी है वो बेस्ड होता है इंडियन कल्चर पे। ही वॉन सेवरल ऑफ इंडिया हाइएस्ट ऑनर, इनको ढेर सारा इंडिया का हाइएस्ट ऑनर मतलब सम्मान दिया गया है, जैसे कि द पद्म भूषण इन 1969 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला, दसाई के अकेडमी अवार्ड इन 1997 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, एंड द पद्म विभूषण इन 2007 और 2007 में भी उनको पद्म विभूषण मिला है, एंड सो जोन और भी ढेर सारा मिला है। ही रोट फेमस स्टोरीज सच एज, वो ढेर सारा फेमस स्टोरीज लिखे हुए जैसे कि द गंगा घाट, द मीनिंग ऑफ इंडिया, द काउ ऑफ डेडिकेट्स इटीसी, ये सब उनका फेमस शॉर्ट स्टोरीज है। अब आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, सो फार एज टैगोर इज कंसर्न्ड, जहां तक टैगोर का संबंध है, ही वॉज मोर मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर है, जो कि मतलब सबको मतलब लिखने के लिए मतलब नहीं होता है कि इंस्पायर्ड करते हैं, कुछ भी राइट करने के लिए इंस्पायर्ड करते हैं, प्रमुख फिगर है। ही रोट मोर देन 100 शॉर्ट स्टोरी, मतलब 100 से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरी लिखे हुए हैं, विच रिफ्लेक्टेड द कंटेम्प्रेरी लाइफ इन रूरल एंड अर्बन इंडिया, जो कि रूरल मतलब इंडिया के गांव वाले शहर और शहरी जीवन के बारे में बताता है, इनका जो शॉर्ट स्टोरी होता है शहरी और ग्रामीण जीवन के बारे में वो मेनली बताता है इंडिया के। ही वॉज ए ग्रेट पोइट, महान पोइट थे, सिंगर थे, ड्रामाटिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, फिलोसोफर थे, ट्रांसलेटर थे, आर्टिस्ट थे, एंड अबव ऑल और इन सबके अलावा ऑल द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टोरी टेलर, वन ऑफ प्रमुख स्टोरी टेलर के रूप में जाने जाते हैं। ही रोट ए गैलेक्सी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ढेर सारा शॉर्ट स्टोरीज ये भी लिखे हैं सच है, जैसे कि काबुली वाला, ग्रैंड मदर, हंग स्टोन, द पोस्टमैन, द बाबूज ऑफ नैनजोर इटीसी, ये सब जो इनका फेमस शॉर्ट स्टोरीज है। अब आगे है भवानी भट्टाचार्य के बारे में, भवानी भट्टाचार्य इज वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन, इंडियन इंग्लिश फिक्शन के वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर है, मतलब काफी लंबा रहा है इनका जो कार्यकाल रहा है, मतलब लिखने का जो कार्यकाल रहा है काफी लंबा रहा है। ही रोट वर्ल्ड फेमस शॉर्ट स्टोरीज, वर्ल्ड फेमस शॉर्ट स्टोरी लिखे हुए जैसे कि ग्लोरी एट ट्विलाइट, शैडो फ्रॉम लद्दाख, ए गॉडेस नेम गोल्ड एज वेल, ये सब शॉर्ट स्टोरी जो है उनका काफी फेमस है। आगे है खुशवंत सिंह इज मेनली ग्रेट नॉवलिस्ट, खुशवंत सिंह भी एक महान नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं इंडिया के इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, बट ही ऑल्सो ट्राइड इन स्टोरी राइटिंग, लेकिन वो अपना हाथ स्टोरी राइटिंग में भी ट्राई किए हुए, मतलब पहले तो ये नॉर्मली नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपना हाथ ये ट्राई किए हुए हैं स्टोरी राइटिंग में भी, सच एज जैसे कि कर्मा, ए लव अफेयर इन लंदन, द रेप, कुसुम, द वॉइस ऑफ गॉड एज वेल, ये सब इनका फेमस शॉर्ट स्टोरीज है खुशवंत सिंह का। फिर आगे अनीता देसाई इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब एक फीमेल ऑथर है जो कि अनीता देसाई है, एमंग द वुमेन नॉवलिस्ट, ये भी वुमेन नॉवलिस्ट है मेनली इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के, शी रोट ऑल्सो शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शंस, वो ढेर सारा शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी लिखे जिसमें मतलब एक ही बुक में ढेर सारा शॉर्ट स्टोरी, जैसे डायमंड डस्ट एंड गेम्स एट ट्विलाइट, ये सब इनका फेमस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, इटीसी आर वर्ल्ड फेमस, ये सब वर्ल्ड फेमस है शॉर्ट स्टोरीज इन द इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड फेमस शॉर्ट स्टोरीज है। फिर आगे बिसाइड दिस एवब लिटरेरी पर्सनैलिटीज, मतलब इन सब लिटरेरी पर्सनैलिटीज के अलावा जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, राजा राव, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, मूर्ख राजानंद और भवानी भट्टाचार्य, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, इन सब के अलावा भी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड लॉट्स ऑफ माइनर शॉर्ट स्टोरी राइटर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में और भी ढेर सारे मतलब माइनर छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरी राइटर होते रहे हैं, मतलब बाकी सबके नॉर्मली जो बड़े थे मेनली इंपॉर्टेंट थे उनको तो डील कर चुके हैं। आगे जैसे सच है जैसे कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्टोरी राइटर जैसे के ए अब्बास फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, के अब्बास, अरुण जोशी, एन सी चौधरी, श्री अरविंद घोष एज वेल, ये सब भी काफी फेमस रहे हैं इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में, इनका ये भी काफी फेमस रहे हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज हाईली इंडप्टेड टू इंडियन शॉर्ट स्टोरीज राइटर्स, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है काफी ऋणी रहेगा इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर्स का, विच हैव एवर मेंशनड, जिसको कि ऊपर मेंशन किया गया है, मतलब जिनके बारे में ऊपर लिखा गया है, जिनके बारे में ऊपर बात किया गया है इस नोट्स में। तो वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए है, मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वीडियो के थ्रू आपका हेल्प होता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, और इस नोट्स को आप अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो कि कितना मार्क्स का लिखना है और कितना बड़ा आपको चाहिए, 2-3 पॉइंट के बारे में और डील कर सकते हो। तो चलिए वीडियो यहाँ खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।